मैंने यहाँ पे खरीद लिया टॉप रिव्यूज और रेटिंग्स के बेसिस पे इंडिया के टॉप 5 सेलिंग वायरलेस वैक्यूम क्लीनर्स, और मैं करने वाला हूँ सक्शन पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, बैटरी टेस्ट और उनका नॉइस टेस्ट भी। तो जो टॉप ब्रांड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो है स्विस मिलिट्री, अगारो, बर्गमैन, तुसा एंड 70 MAI। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 70 MAI की बिल्ड क्वालिटी और लुक काफी ज्यादा प्रीमियम और स्टर्डी लगी, और उसकी मटेरियल फिनिशिंग भी काफी ज्यादा स्मूथ और स्टर्डी थी, और इवन उसका साइज भी यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट था। और यहाँ पे अगर मैं अगारो, बर्गमैन और तुसा की बात करूँ तो उनकी लुक एंड बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफी अच्छी थी, बट उनका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था। और फाइनली अगर मैं स्विस मिलिट्री की बात करूँ तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, बट उतनी नहीं जितनी बाकी वैक्यूम क्लीनर्स की थी, बट उसका साइज भी यहाँ पे 70 MAI की तरह काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट था। और यहाँ मुझे बर्गमैन और अगारो उनके साइज और वेट के हिसाब से होल्ड करने में काफी ज्यादा बैलेंस्ड और कंफर्टेबल लगे, और उनका वेट भी यहाँ पे सिर्फ अराउंड 660 ग्राम्स का ही था, मगर यहाँ पे 70 MAI का इतना कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद भी उसका वेट अराउंड 700 ग्राम्स का था, और वो मुझे थोड़े से ज्यादा देर यूज करने के बाद थोड़ा सा हैवी लगा। और यहाँ पे अगर मैं तुसा की बात करूँ तो उसका वेट भी बाकी वैक्यूम क्लीनर से थोड़ा सा ज्यादा था, मगर यहाँ पे अगारो, बर्गमैन और तुसा के बड़े साइज की वजह से उनकी डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी थी, मगर यहाँ पे अगर मैं स्विस मिलिट्री और 70 MAI की बात करूँ तो उनकी डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा कम लगी। और इवन आपको इन सभी वैक्यूम क्लीनर के साथ हेपा फिल्टर मिलता है जो 99.97% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को भी क्लीन कर सकता है, जैसे कि पेट हेयर या फिर माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स, जिसे काफी लोगों को एलर्जी भी होती है। और इन सभी वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको तीन बेसिक अटैचमेंट मिल जाती हैं। पहला होता है क्लीनिंग ब्रश, जिसे आप काफी आसानी से अपने कारपेट में छुपी हुई डस्ट को भी क्लीन कर सकते हैं। दूसरा होता है ये फ्लैट नोजल, जिसे आप काफी आसानी से किसी भी नैरो स्पेसेस को भी क्लीन कर सकते हैं। और तीसरा अटैचमेंट मिलता है आपको ये फ्लेक्सिबल होज, जिससे कि आप अंडर सीट्स और कॉर्नर्स को भी इजीली रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर साथ में इन सभी वैक्यूम क्लीनर्स को रियल टाइम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले किया एक सक्शन पावर टेस्ट, और उसके लिए हमने यूज किया है ये एयरफ्लो चेकिंग डिवाइस। तो हमने कनेक्ट कर दिया इस डिवाइस को इस बॉक्स के साथ, और यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर्स को। तो चलिए फिर इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगारो और तुसा का सक्शन पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई था, जो कि अराउंड 184 CMM का था, और यहाँ पे बर्गमैन और 70 MAI का भी सक्शन पावर काफी ज्यादा अच्छा था, बट उतना नहीं जितना अगारो और तुसा का था। और यहाँ पे अगर मैं स्विस मिलिट्री की बात करूँ तो उसका सक्शन पावर सिर्फ 127 CMM का था, जो कि मुझे काफी ज्यादा कम लगा। तो चलिए इनकी सक्शन पावर को एक्चुअल कार्पेट डस्ट के साथ हम टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट करने के लिए मैंने रोड डस्ट और ग्रेवल को यहाँ पे इवनली कार्पेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। तो चलिए फिर इस टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुसा वैक्यूम क्लीनर ने यहाँ पे डस्ट को काफी अच्छे से क्लीन कर दिया है मिनिमम एफर्ट्स के साथ, और यहाँ पे इवन अगारो और 70 MAI की क्लीनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, और उसमें मुझे काफी कम एफर्ट डालना पड़ा, मगर यहाँ पे स्विस मिलिट्री और बर्गमैन के साथ मुझे थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था, और उसके बाद भी मैं डस्ट को कम्प्लीटली क्लीन नहीं कर पा रहा था, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। और हमारी कार सीट के ऊपर खाने का सामान भी काफी ज्यादा गिरता रहता है, जिसके अंदर हमने छोटे बड़े दोनों फूड पार्टिकल के साथ यहाँ पे उसको टेस्ट किया है, और इस टेस्ट को करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लैट नोजल अटैचमेंट का यूज किया है। टेस्ट के अंदर स्विस मिलिट्री, अगारो और तुसा की परफॉर्मेंस यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनके साथ आपको अच्छी सक्शन पावर और यहाँ पे एक वाइड नोजल मिलता है, और यहाँ पे बर्गमैन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, पर उतनी नहीं जितनी बाकियों की थी, क्योंकि उसका नोजल डिजाइन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम एफिशिएंट लगा। और यहाँ पे फाइनली अगर मैं 70 MAI की बात करूं तो उसका नोजल डिजाइन यहाँ पे काफी ज्यादा नैरो था, जिससे कि बड़े फूड पार्टिकल्स उसमें आसानी से नहीं जा पा रहे थे, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एवरेज लगी। और यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट के लिए हमने अपनी कार के फ्रंट सीट्स और कारपेट्स को कम्प्लीटली डस्टी कर दिया है, और अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर इस कम्प्लीट मेस को सबसे ज्यादा फास्ट और एफिशिएंटली क्लीन करता है। तो चलिए फिर इस टेस्ट को भी हमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे स्विस मिलिट्री और बर्गमैन के साथ इस कंप्लीट मेस को क्लीन करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगा, जो कि अराउंड 6-7 मिनट्स का था, और यहाँ मुझे अगारो और 70 MAI के साथ
ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगा उस कंप्लीट सेम मेस को क्लीन करने के लिए। तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे अगर मैं तुसा की बात करूं तो उसके साथ मुझे सबसे कम टाइम लगा, जो कि था सिर्फ 2 मिनट्स 40 सेकंड्स का, क्योंकि उसके साथ मैं किसी भी डस्ट को बहुत ही एफर्टलेसली क्लीन कर पा रहा था। और यहाँ पे इसके साथ हमने इन सभी का नॉइस टेस्ट भी किया है, जो आप यहाँ पे डायरेक्टली सुन सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी वैक्यूम क्लीनर्स की नॉइस अराउंड 80 टू 85 डेसिबल्स की थी, जो कि बहुत ज्यादा नॉइस नहीं है और ये मिड साइज वैक्यूम क्लीनर्स के लिए एक नॉर्मल रेंज है। और वायरलेस वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर उसका बैटरी बैकअप काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे हमने उसको रियल टाइम टेस्ट किया है। तो चलिए फिर इस टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगारो, तुसा और 70 mAh का बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा था, जो कि अराउंड 22 टू 25 मिनट्स का था। और यहाँ पे अगर मैं स्विस मिलिट्री और बर्गमैन की बात करूं तो उनका बैटरी बैकअप कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था, जो कि अराउंड 18 टू 19 मिनट्स का ही था, बट वो भी एक अच्छा बैकअप है। तो इन सभी टेस्ट और फीचर कंपैरिजन के बाद चलिए चेक करते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स को। तो मेरी आपको यहाँ पे फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी तुसा वैक्यूम क्लीनर की, जिसने ऑलमोस्ट सभी टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया और मैं उससे काफी एफर्टलेसली सारी कार को क्लीन कर पा रहा था। और यहाँ मेरी सेकंड रिकमेंडेशन होगी आपको अगारो वैक्यूम क्लीनर की, क्योंकि वो भी तुसा की तरह एक काफी हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर था और उसकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सभी टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ मेरी आपको थर्ड रिकमेंडेशन होगी 70 mAh की, क्योंकि उसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है और आपकी ये डेली मेंटेनेंस क्लीन के लिए भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पे अगर मैं स्विस मिलिट्री और बर्गमैन की बात करूं तो उन दोनों की परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बाकी वैक्यूम क्लीनर्स की थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर नाउ, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।